Bismillahir Rahmanir Rahim. First of all, I would like to greet you in the Islamic way. Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss with you Brain Rules, a very famous and world best-selling book written by John Medner. He was basically a scientist, neuroscientist, जिन्होंने 35 साल तक दिमाग पे रिसर्च किया और उनके नतीजे में 12 रूल्स पर मुश्तमिल एक किताब लिखी जिसका नाम है ब्रेन रूल्स। इस किताब और इन 12 रूल्स की मदद से ना सिर्फ हम अपने ब्रेन डेवलपमेंट को इन्हेंस कर सकते हैं बल्कि ब्रेन कैपेसिटी और ब्रेन वर्किंग एबिलिटी को 34% तक इंक्रीज कर सकते हैं। उनमें सबसे फर्स्ट जो है वो इवोल्यूशन है। कीप इन माइंड जो इंसानी दिमाग है वो इवॉल्व फॉर्म में है। इसके तो वैसे बहुत सारे बायोलॉजिकल मतलब हो सकते हैं लेकिन इसका सिंपल मतलब ये है कि आप ब्रेन की कोई भी एक्टिविटी या कोई भी लर्निंग वो ओवर द नाइट नहीं कर सकते। इट विल टेक टाइम और ये एक लंबा प्रोसीजर होता है। सेकेंड नंबर पर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जॉन मेडनर ने एक रिसर्च किया था जिसके मुताबिक 80-90% चांसेस ज़्यादा होते हैं ब्रेन डैमेज के और पार्किंसन कॉन के और अल्जाइमर डिजीज़ के और इस तरह के बहुत सारे और डिजीज़ के इन दोज पीपल जो कि रेगुलर एक्सरसाइज के हैबिचुअल नहीं होते बनिस्बत उन लोगों के जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज की एक आदत अगर हम अपना लें तो हम अपने ब्रेन कैपेसिटी को इन्हेंस कर सकते हैं और ब्रेन डेवलपमेंट को इनके जो है वो स्मूथ कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर है स्लीप, नींद। एक पुरसुकून नींद इंसानी दिमाग के डेवलपमेंट के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक्सरसाइज। एक पुरसुकून नींद ही इंसान के ब्रेन डेवलपमेंट को इन्हेंस करते हैं और इनकी कैपेसिटी को रिबिल्ड करते हैं और इंक्रीज करते हैं। इसी तरह फोर्थ नंबर रूल जॉन मेडनर ने लिखा है विजन। विजन ट्रायम्प्स ऑल अदर सेंसेस। इंसानी जो हवासी खमसा है जो 5 सेंसेस है उनमें से विजन जो है वो ट्रायम्प्स करता है बाकी तमाम चीज़ों को, तमाम सेंसेस को। एक मशहूर चाइनीज कहावत है, आई थिंक जैपनीज कहावत है वो जिन्हें कहते हैं आई लिसन आई फॉरगेट आई सी आई रिमेम्बर। मतलब अगर आप कोई किसी भी चीज़ को याद रखना चाहते हैं तो उन चीज़ की विजुअलाइजेशन इंतहाई ज़रूरी होती है, उस चीज़ को देखना इंतहाई ज़रूरी होता है। तो विजन जो है ये आपके बाकी तमाम हवास पे ट्रायम्स होता है, बारी होता है या पावरफुल होता है। तो ये फोर्थ नंबर रूल्स है। फिफ्थ नंबर रूल जो है वो ब्रेन एनहांसमेंट के लिए जो जॉन मेडनर ने लिखा है वो है रिपीट टू रिमेम्बर। रिपीट टू रिमेम्बर, अगर आप किसी भी चीज़ को याद रखना चाहते हैं तो उस चीज़ को रिपीट करें, उस माहौल को रिपीट करें या उस सिनेरियो को रिपीट करें, वो माहौल क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल आप एग्जाम में जाना चाहते हैं, एग्जाम एक बड़े हॉल में होता है और आप चाहते हो कि एग्जाम के दौरान आप अपनी हर चीज़ को याद रखिए और अपने पढ़े हुए हर सबक आपको याद रहे, तो उसके लिए उस तरह के सिनेरियो क्रिएट करें और कोशिश करें कि आप जो मेमोराइजिंग कर रहे होते या जो चीज़ याद कर रहे होते या जो चीज़ पढ़ रहे होते तो उसी सिनेरियो में या उसी इन्वायरमेंट में पढ़े जिस इन्वायरमेंट में आपने एग्जाम देना होता है। तो ये फिफ्थ नंबर रूल है जो कि इंतहाई ज़रूरी होता है। सिक्स नंबर जो रूल हम आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं वो है मल्टीटास्किंग। ये बहुत बड़ी गलती है जो कि हम आम तौर पे करते हैं। जॉन मेडनर ने अपने रिसर्च में ये बात साबित किया है कि इंसान का जो दिमाग है, इंसान का जो ब्रेन है वो मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। फोकस, यू हैव टू फोकस ऑन अ सिंगल पॉइंट एट अ सिंगल टाइम। एक वक्त में आपने एक चीज को फोकस करना है तो आप उसमें कामयाब होंगे। अगर आप मल्टीटास्किंग पे जाते हो तो इंसान का जो दिमाग है वो मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना। तो ये अपनी जो कैपेसिटी है वो 100% नहीं शो करेगी। तो इस चीज का ख्याल इंतहाई जरूरी होता है। सेवन नंबर स्ट्रेस, ये आज इस वीडियो में लास्ट हम डिस्कस करते हैं। अगर ये 12 पॉइंट है लेकिन वो 7 बेसिक पॉइंट्स हम इसमें से डिस्कस करेंगे।
स्ट्रेस इंतहाई एक खतरनाक चीज़ है इंसान के दिमाग के डेवलपमेंट के लिए। अगर आप चाहते हो, अगर बच्चों में आप चाहते हो, अगर बड़ों में आप चाहते हो कि दिमाग की कैपेसिटी 100% काम करे, दिमाग की डेवलपमेंट बेहतरीन अंदाज में हो, तो इस चीज़ को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है टूवर्ड्स द ब्रेन डेवलपमेंट। अगर आपकी ब्रेन डेवलपमेंट बेहतरीन होनी है तो स्ट्रेस को रिड्यूस करना पड़ेगा। स्ट्रेस मुख्तलिफ किस्म का होता है, फैमिली स्ट्रेस होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, मेडिकल स्ट्रेस होता है, एकेडमिक स्ट्रेस होता है, तो इन सारी चीज़ों को कुल मिला के इस चीज़ को रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करना है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जितना आप इस चीज़ को रिड्यूस करोगे, ब्रेन डेवलपमेंट उतनी ही ज़्यादा इन्हांस होगी। That was topic of the day. आज हमने 12 rules में से 7 जो basic rules थे वो आपके सामने रख दिए। I hope you enjoyed and learned a lot from it. Thank you very much. Allah Hafiz.